can fly. Hello, 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 guys. Assalamu alaikum. तो कैसे हैं आप सब लोग? So Malik, what scenes? तो ये है कि अभी आज हम vlogging करने वाले हैं आपके लिए. और क्या कहते हैं, आज शूट वाला सीन है. तो अभी हम जाएंगे, हम अपने उनको पिक करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग शूट पे जाएंगे. फिर अभी डे तो हमने प्लान किया है, आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनानी है मैंने काफ़ी सारी. जो व्लॉगिंग आज पूरा दिन होगी और चैलेंज वीडियोस भी आएंगी और लेट्स सी टीटी वीडियोस भी आएंगी इंशाल्लाह. सो आप लोग मेरे साथ रहें, आपको दिखाऊँ. We are in a collaboration with Grand Lens and वो हमारी अभी फोटोग्राफी कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं. हमारा वो भी कंटिन्यूएशन में है और मैं आपको अभी मिलवाना चाहती हूँ. ऑफिशियली ये फर्स्ट व्लॉग है मेरा और उनका साथ, इफ एंगेजमेंट व्लॉग को हटा दिया जाए तो. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपकी आवाज़ नहीं आ रही. मैं ऐसे तो बोलता हूँ, उन्होंने कहा तो है. बहुत आहिस्ता बोलते हैं. आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अभी कुछ नहीं कहेंगे, घर जाके बात करते हैं. हाँ, घर जाके बात करेंगे ये. लेकिन मैं आप लोगों के साथ बात करती रहूँगी क्योंकि आज वीडियोस आती रहेंगी. वो टीटी की वीडियोस भी आएंगी और ब्लॉग भी आएंगे. और जो चैलेंजेस आपने मुझे दिए थे कि आप इनके साथ करें वो भी आएंगे. और इंट्रोडक्शन वीडियो भी आने वाली है. लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो आप अभी देख चुके होंगे. इंट्रोडक्शन वीडियो आप अभी तक देख चुके होंगे और अब जो आप देखेंगे वो चैलेंज वीडियो देखेंगे. बस साथ रहें मालिक हमारे, हम बस दुआएं चाहिए मालिक, दुआएं. सो गाइस, आपको जैसे मैंने बताया था हम लोग शूट के ऊपर आए हुए थे तो इट वाज अ पीआर शूट. एंड जो शख्स ने हमारा इतना हसीन शूट किया है ना वो है ग्रैंड लैंस. और ग्रैंड लैंस तो मैं इनको टैग भी कर दूंगी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में, इनका लिंक मेंशन होगा और मेरी जो इंस्टा स्टोरीज है उन पे भी मेंशन होगा. सो ही इज़ अ स्टार्टर एंड ही इज़ वेरी गुड एट हिज वर्क. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इनको बहुत सपोर्ट दें, बहुत प्यार दें और यार उनसे कोलैब में जाएं और उनसे लाइक शूट्स करवाएं और ऑर्डर्स दें यार, मतलब व्हाट इज़. तो अब थोड़ी बात करते हैं इनसे, बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा. और बस ही इज़ कैमरा शाय, दिख रहा है ही इज़ कैमरा शाय. सो आप लोग इन लोगों इनको फॉलो ज़रूर करिएगा और बस ऐसी प्यार मोहब्बत बरसाते रहें, लोगों को सपोर्ट करते रहें. आर्टिस्ट सपोर्टिंग आर्टिस्ट. तो गाइस, हम लोग का शूट हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं. लेट्स सी, आई थिंक बोट बेसन की तरफ जाएंगे अब हम. और क्या कहते हैं, फिर मैं आगे जो भी व्लॉगिंग होगी वो मैं आपको दिखाती रहूँगी, तो हमारे साथ रहिएगा. तो गाइस, हम लोग अभी हैं बोट बेसन पे और अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं. और मेरे साथ हैं दी ग्रेट तलहा साहब. सो अभी सीन कुछ इस तरीके का है, अभी मेरा भाई और उसका दोस्त गए अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए
वो लोग जैसे ही वापसी आते हैं तो फिर हम ऑर्डर भी करेंगे, हम नाश्ता भी करेंगे और मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि जो ना क्या क्या हमने खाया। और उसके बाद देखें, हम लोगों ने काफ़ी सारी जगहों पे जाना है, टिकटॉक्स भी बनानी है। सो बस अभी फ़िलहाल इस तरीके के ही सीन्स चल रहे हैं। और आपकी बहन को सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे आपकी बहन को ये अनोखा काम कर रही है। तो अब मैं आपको आगे दिखाती जाऊंगी किस तरीके से मतलब सब कुछ चलता रहता है, किस तरीके से हमारा मूड है। और घर घर भी जाएंगे, आज वीडियोस भी शूट करनी है आप लोगों के लिए। वैसे एक आध वीडियो तो देख ली होगी आपने अब तक, बाकी और शूट होंगी वो, तो बस साथ रहें। तो गाइस, हम लोगों ने अभी नाश्ता कर लिया है और अब हमारा जो सीन है, हमारा सीन है वीडियोस बनाने का। तो अब हम वीडियोस बनाने के लिए जाएंगे। अभी लोकेशन मुझे नहीं पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन बस उम्मीद है कि अच्छी सी जगह जाएंगे, आपके लिए बहुत सारी टिकटॉक वीडियोस बनाएंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं टिकटॉक वीडियोस में मेरी हर तरह की, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब जो भी होता है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हम लोगों ने टिकटॉक वीडियोस बनाई हैं और क्या कहते हैं वो लाइक टीवी की तरफ हम लोग चले गए थे कुछ काम से, तो वहाँ पे हमने बोला चलो यार मालिक थोड़ा वही मज़ा ही उठा ले। लेकिन मैंने प्योरली जाके पानी की तरफ नहीं बनाई है, ऐसे मैंने रोड पे बनाई है। और क्या कहते हैं, हम लोगों ने वहाँ से वीडियोज़ बनाई। अभी हम आए हैं गोलगप्पे लेने के लिए, तो नुमान और उसके जो दोस्त है वो गोलगप्पे लेने गए हुए हैं। सो और क्या कहते हैं, अब देखें हम घर जाएंगे, फिर चैलेंज करते हैं उसका। Yes, फिर अब घर जाके दिखाऊंगी मैं आपको। हे गाइस, तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और अब हम लोग आप लोगों के लिए फिल्म कर रहे हैं गोलगप्पा चैलेंज एंड इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इंट्रोडक्शन वीडियो तो आप अभी तक देख चुके होंगे, गोलगप्पा चैलेंज आने वाला है। बस इसके जो अगली वीडियो है वो गोलगप्पा चैलेंज की है। तो तला आप कुछ कहना चाहेंगे? तो गाइस, आप लोग जैसा देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने हमने आप लोगों के लिए दो वीडियोज बनाई हैं और व्लॉगिंग चल रही है और एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी शूट हो चुकी है जो आ चुकी होगी। और अभी ये वाला चैलेंज आ रहा है जो है गोलगप्पा चैलेंज, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला था कि गोलगप्पा चैलेंज करें आप दोनों, तो हम लोगों ने गोलगप्पा चैलेंज किया है आपके लिए। तो ये देखें ये किस तरीके से बैठने में है और इस तरीके से चीज़ रखें। अब आप बताएं कौन जीता होगा, टीम तलहा या टीम तान्या? सो नीचे बताएं और हैशटैग टीडी फमालिया ज़रूर यूज़ करें अपनी हर वीडियो के अंदर, क्योंकि अब हम लोग प्रॉपरली हैशटैग भी देखेंगे और अपने फैंस को हम लोग बहुत प्यार करते हैं। तो इंशाल्लाह अब जब ये वीडियो रिलीज होगी तो आपको पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। सो तथा आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना कुछ भी नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, बहुत गोलगप्पे खा के बैठा हूँ और पता नहीं है कैसे मैं हूँ ना आपको, आप लोगों को तो पता है आप तो मेरे साथ कब से है ना। तो इस वजह से अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या होता है आगे या क्या नहीं होता है, या मैं ब्लॉग कब एंड करती हूँ कब एंड नहीं करती हूँ, ताला कब जाते हैं या फिर थोड़ी देर और रुकेंगे। सो वो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, तब तक के लिए मेरे साथ। सो गाइस, से बाय बाय टू तलहा। तलहा अब अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक मारें। और अब अपने फैंस को क्या कहेंगे, कोई दुआएं या कुछ? खुश रहें, आबाद रहें, हमारे जो है बस खुश रहें, बहुत बहुत। ओके गाइस, तो जो है ना अब ये जा रहे हैं घर। सो ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
और हाँ आप हमारे साथ, मैं सोची मैं यहीं पे ब्लॉग ख़त्म कर दूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों से अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हेटर्स प्लीज़ डोंट हेट, एंड आप लोग भी खुश रहें, आपके भी नसीब अच्छे हों इंशाल्लाह, आमीन। तो आप लोगों से अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, स्माइल एंड बाय।